problem is to write a Python program to catch multiple exceptions in one line. Hello everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Python के अंदर हम कैसे कोई प्रोग्राम लिखें जो कि मल्टीपल एक्सेप्शन हमें एक कोड के अंदर पकड़ के देगा। तो गाइज यहाँ पे पहले समझते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। तो गाइज Python के अंदर क्या होता है, Python में कई बार जब हम कोड लिखते हैं तो हम उसके अंदर कर देते हैं कुछ मिस्टेक। अब दो तरह की मिस्टेक्स होती है यहाँ, एक होती है सिंटैक्टिक मिस्टेक्स यानी कि सिंटैक्टिक एरर्स और दूसरे होते हैं लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्टिक एरर्स वो होते हैं जो कि हम पाइथन में जब कोड लिखते हैं तो उस टाइम पे कोई मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कहीं पे कॉलन लगाना भूल गए, कहीं ब्रैकेट्स लगाना भूल गए, कोटेशंस लगाना भूल गए, इक्वल टू लगाना भूल गए, कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि कोड लिखते टाइम हो जाती है जिनको हम सही नहीं कर सकते। मतलब सही कर सकते हैं बट हम प्रोग्राम के अंदर सही कर सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन में उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। वहीं एट द सेम टाइम लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल एरर्स कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे यूजर चाह रहा है, मतलब जो भी आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है वो चाह रहा है कि यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट को वो गेट करे, तो वो वहाँ पे कैसे कर पाएगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी चार एलिमेंट्स ही हैं, पांचवा एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे गेट कर पाएगा। तो वो क्या होगा, लॉजिकल एरर हो गया कि जहाँ पे यूजर से कोई मिस्टेक हुई है। या फिर मान लीजिए कि आपने कहीं पे दो नंबर्स के लिए इनपुट मांगा, एक के अंदर नंबर्स की जगह किसी ने हेलो लिख दिया या फिर वन की जगह ओ एन ई वन लिख दिया, तो वहाँ पे आपने इंटीजर में इनपुट मांगा है बट उसने वहाँ पे स्ट्रिंग में नंबर दे दिया, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। अब इस टाइम की एरर्स क्या करेंगे, आपके प्रोग्राम को रोक देंगी, राइट। तो अब इसको हैंडल करा जा सकता है कि आपका प्रोग्राम रुके ना, अगर कोई एरर आ जाए तो आगे बढ़ती भी जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शंस का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे ये किया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी कि मल्टीपल एरर क्रिएट करूंगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, दैट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, एंड यूजर से हम इसके अंदर इनपुट ले लेते हैं, दैट एंटर समथिंग हियर। उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रही हूँ इंटीजर के लिए, तो मैं यहाँ पे नंबर के लिए इनपुट ले लेती हूँ, एंड आगे लगाते हैं int इनपुट, एंटर अ नंबर हियर, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा देंगे यूजर से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट में क्या पास कर दूंगी, प्रिंट में पास कर दूंगी स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेट कर दूंगी नंबर को, एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो मेरे पास दो तरह की एरर्स आएंगी। पहली एरर तो क्या होगी, एंटर समथिंग हियर में हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो और यहाँ पे एंटर नंबर हियर के अंदर हमने लिख दिया 12। अब यहाँ पे पहली एरर क्या आ गई, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ कॉन्केटिनेट नहीं हो सकते, तो पहली एरर तो ये रही। अब उसको मैं दोबारा यहाँ पे, ये कौन सी एरर है हमारे पास, टाइप एरर है। अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे रन करूंगी, रन करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। स्ट्रिंग के अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं बट एट द सेम टाइम हमने यहाँ इंट के अंदर कोई वैल्यू लिख दी, जैसे हेलो लिख दिया मैंने यहाँ। अब मैं इसको रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू एरर आ जाएगी कि आप हमने यहाँ पे यूजर से, अब यहाँ पे रन कराने पे वैल्यू एरर आ गई है। वैल्यू एरर यहाँ पे क्या कह रही है कि हमने यूजर से तो इंटीजर में इनपुट मांगा है बट उन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इनपुट दे दिया है। तब इसको यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे, तो हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर यहाँ पे वो कोड पास कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास एरर है, तो ये हमने ट्राई के अंदर पास कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे, एक्सेप्ट के अंदर हम वो कोड लिखते हैं यानी कि जहाँ पे भी एरर आ रही है उसको हैंडल करने का जो कोड है वो हम एक्सेप्ट के अंदर लिखते हैं। एक्सेप्ट के अंदर हम क्या क्या देंगे, कौन कौन सी एरर हमारे पास आ रही है, एक तो वैल्यू एरर आ रही है तो हम यहाँ पे वैल्यू एरर दे देंगे, एंड दूसरी एरर यहाँ पे कौन सी आ रही है, एक टाइप एरर आ रही है तो टाइप एरर भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो दो एरर्स आ रही है उनका यहाँ पे टपल क्रिएट कर दिया है। वहीं एट द सेम टाइम अगर तीन या चार कोई और ज्यादा एरर आ रही होती तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के और एरर्स यहाँ पे डाल देते हैं एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, दैट एक्सेप्ट वैल्यू एरर एंड टाइप एरर एज ए, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी मैं ए को। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाती हूँ, सो यहाँ पे एंटर समथिंग हियर में अगर हम हेलो लिख देते हैं एंड यहाँ नंबर में मैंने लिख दिया 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, तो यहाँ पे जो टाइप एरर है हमारी वो हैंडल हो गई है। अब दोबारा मैं यहाँ पे इसको रन करवाती हूँ एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो और नंबर के अंदर भी मैं लिख देती हूँ हेलो, तो यहाँ पे जो वैल्यू एरर है हमारी वो भी यहाँ पे हैंडल हो गई है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 हेलो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये अभी आया है किस फॉर्म में, यहाँ पे ब्लैक में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हैंडल हो चुका है। अगर यहाँ पे रेड कलर के अंदर टेक्स्ट लिखा होता तो हमारे प्रोग्राम में एरर आई होती है। अगर इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी चीज लिखती हूँ, सपोज यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं थैंक यू, एंड अब मैं इसको रन करवाती हूँ दोबारा, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे भी मैंने 12 लिखा, तो यहाँ पे एरर आ गई, उसने यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करी बट यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरर है कि स्ट्रिंग और इंटीजर यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं हो सकती। लास्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोड पे वो मूव कर गया यानी कि यहाँ पे थैंक यू आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, एरर हैंडल हो गई है। अगर यहाँ पे ये एरर हैंडल नहीं होती तो यहीं पे ये कोड रुक जाता, यहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है ये रुक जाता।
तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल एरर्स को हैंडल कर लिया। अगर यहाँ पे और भी कोई किसी तरह की एरर होती तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के उस एरर को भी ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। सो आई होप गाइस ये प्रोग्राम यहाँ पे क्लियर है, एंड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू।